Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six for Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में क्या श्योर शॉट आपके जिंदगी में होने वाला है, सो ऑफ कोर्स व्हाट विल यू अचीव, ओके, एंड क्या क्या आपको प्राप्त होके रहेगा, क्या होने वाला है। Of course, it will be a timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. देखो, इस रीडिंग को मैं इसको सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स वेरीफाई तो मैं करूंगी ही, उसके साथ साथ मैं आपको सपोर्टिव जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ऑफ कोर्स मैं उसको दूंगी, ताकि आपको पता चले कि ये जो रीडिंग है वो आपके ही है और आगे जाके भी रेजोनेट होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। बट इट इज़ अ टाइमलेस एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ऑफकोर्स आने वाला है, क्या क्या ज़रूर आप हासिल करेंगे। लेट्स सी, we do have the high priestess card, okay, star, seven of cups, we do have the knight of wands, Ace of Swords, Ten of Swords, I hope you can see them, right? Okay, यहाँ पे है bottom of the deck we do have the Five of Cups, the Tower, okay, the Seven of Pentacles. तीन card हम ले सकते हैं यहाँ से, हम ले रहे हैं यहाँ पे, okay, और कुछ cards हम थोड़ा सा लेना चाहेंगे, देखना चाहेंगे और कुछ। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि यहां पे है, एक्वेरियस जेमिनी एंड लीब्रा को मिथुन तुला राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली, ओके। यहाँ पे है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि, ऑल द साइंस आर देयर, सारे साइंस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एवरीथिंग इज देयर। सो इम्पोर्टेंट साइंस है पाइसेस, एक्वेरियस, कुंभ राशि है, मीन राशि है यहाँ पे, एंड मेष राशि है और वृश्चिक राशि है। ओके, वी डू हैव द भरणी नक्षत्र, वी डू हैव द रोहिणी नक्षत्र, वी डू हैव द कृतिका नक्षत्र, वी डू हैव, यस ऑफ कोर्स, वी डू हैव द हस्ता नक्षत्र, ओके, वी डू हैव द रेवती नक्षत्र, वी डू हैव द पुष्या नक्षत्र, ओके। तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आपकी सिचुएशन लगभग कुछ ऐसे है जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं ना, जो आपको लगता है कि बहुत कुछ चीज़ अगर प्राप्त भी आप कर लेते हैं ना, सो यू थिंक दैट इट इज़ नॉट इनफ। आपको लगता है ऐसा कि मैंने जो भी कमाया है, मेरा जो भी मेरे पास है, You are really not satisfied with it. You want more and more in your life. ठीक है, आप और चाहते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप शॉर्टकट तरीके से चाहते हो, नहीं, but you want it with your own, right? Your own confidence, your own stamina. आप आगे जाके जो of course हासिल करने वाले हैं, कुछ लोग श्योर शॉर्ट में आपको बता सकते हो, you can become a very good speaker. ठीक है, आप बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, यू कैन बी अ पब्लिक स्पीकर, बेसिकली जो लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने आके बात करेंगे। कुछ लोग अभी से ही शायद आपका इस तरह का
है कि आप शायद सबके सामने जाना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा फोबिया हो जाता है जब आप बहुत सारे लोगों को एक साथ देख लेते हैं। बट इन द फ्यूचर आई कैन सी एन ऑपोजिट सिनेरियो। यहाँ पे मुझे बिल्कुल एक विपरीत, ठीक है, सीन दिखाई दे रहा है जहाँ पे पूरी तरह से आप अपने ही बलबूते पर, यू विल हैव ऑल द नॉलेज, कॉन्फिडेंस, यू विल हैव द स्टैमिना, यू विल हैव द एक्स फैक्टर जो आप लोगों के सामने जाएंगे एंड यू कैन रिप्रेजेंट दैट। इवन अगर आप ऑनलाइन में भी काम करना चाहते हैं सो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन वर्क फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शंस तो आपके पास बहुत कुछ आएंगे और आप बहुत ज़्यादा प्रेरित भी होंगे, लेकिन हर एक ऑप्शन आपके लिए मे भी सही नहीं होगा। यू हैव मल्टीपल यू कैन से टैलेंट, आप अच्छा गाना भी गा सकते हैं मे बी, यू कैन कुक गुड फूड, यू कैन मेक वेरी गुड इंटीरियर डेकोरेशन। आप, मैं नहीं जानती हूँ आप किस किस काम में अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी जो है स्किल जो है स्पेसिफिकली इन आर्ट्स, ठीक है, फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, इस सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे होंगे और आप उसका उपयोग करके आप बहुत आगे तक जा सकते हो एंड यू विल गो, यू विल अचीव, यू आर अ गो गेटर पर्सन। बट बेसिकली जो वीकनेस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, जो कमजोरी, जैसे होता है ना कमजोर पल, ऐसा जरूर हुआ होगा आपकी जिंदगी में। मैं नहीं बोल रही हूँ कि लव रिलेशनशिप में ही लोगों के साथ ऐसा होता है, बट ट्रस्ट इश्यूज है और वो ट्रस्ट इश्यूज के लिए जो है ना हार्ट ब्रेक होता है और वो एक हार्ट ब्रेक आपको मानना ही है। एक एक हार्ट ब्रेक हमें वो डिवाइन लेसन देते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं कि हम को याद कराते हैं उस सोल कॉन्ट्रैक्ट का जो हम करके आए हैं बिफोर वी हैड टेकन द बर्थ। जन्म लेने से पूर्व हम जरूर सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर आप विश्वास करते हो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, क्योंकि हमारे साथ वो हादसा क्यों होगा, बाकी के साथ क्यों नहीं हो रहा है। सम ड्यू टू आवर कर्म, सम ड्यू टू आवर सोल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ अ टाइप ऑफ कर्म, वो एक डिवाइन लेसन मिलता है। लेकिन आप क्या है ना, आप उस पेन को नहीं जाने दे रहे हो। आप लेसन तो सीख गए लेकिन आप उस दर्द को अपने सीने से लगा के बैठे हो और उसके वजह से द हार्ट चक्र इज़ गेटिंग ब्लॉक्ड और उसके वजह से आप फ्रीली लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते हो। यू कैन नॉट मिक्स फ्रीली, यू हैव डिटैच्ड योर सेल्फ। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों से रिश्ते नाते, मतलब मैं नहीं बोलूँ कि तोड़ चुके हैं, बट यू मेंटेन अ डिस्टेंस, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यू आर वेरी इगोइस्टिक, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप सेपरेट होना चाहते हैं, आपको नहीं चाहिए। मे बी इस तरह का मेंटेलिटी आपके पास रिलेशनशिप से ही आया है, नॉट नेसेसरी अ रोमांटिक वन, बट इट कैन बी एनीथिंग गाइस, राइट? ओके, वो हादसा चला गया, वो एक बुरा सपना की तरह, उसको जाने दो। नाउ लेट योर सोल जस्ट गेट कनेक्टेड विद योर हार्ट, क्योंकि हार्ट इज द पैसेज टू द सोल। आप जानते ही हैं हमारा जो दिल है ना, उसके अंदर से आत्मा का प्रवेश है, वही गेटवे है। बट अगर हमारे सोल हमारे हार्ट के साथ, हमारा आत्मा जो है हमारे हृदय के साथ अगर जुड़ नहीं पा रहा है, सिंक नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके जीवन में आएंगे, खुद ही आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ जाओगे और वो भी हो रहा है आपके साथ। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरह से, काफ़ी ब्रेकअप्स हो गए हैं, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने लूज किया है, मे बी बिजनेस और समथिंग, जॉब रिफ्यूजल हुआ है, बट वो चीज़ आपके पास्ट था, फ्यूचर नहीं है। That was a past. It is not your future. In your future, I can see lot of things changing for you automatically. जो पहले आप कुछ और profession में थे, कुछ और profession में हो गए, कुछ और relationship का status था, कुछ और में होगा। And again, it will change over a period of time. Of course, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका pet से allergy था, नहीं हम pet नहीं रखेंगे, but you will start keeping pets in your home, they are very good companion,
उस तरह से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आपकी नॉलेज जियोलॉजी में, मे बी इन बोटैनी, मे बी इन टाइप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, मे बी इन एनी सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। और इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज होगा, ठीक है, अपग्रेडेशन होगा, आप टेक्निकली बहुत साउंड हो जाएंगे और कोई भी जगह पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर है वो हुनर। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं है, आपके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो किसी भी प्रोडक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं सेल करना, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे मल्टी यू कैन से लाइक मल्टी डिपार्टमेंटल नॉलेज, मल्टी स्किल, ठीक है, एज वेल एज यू आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर योर स्किल्स। आप लोगों को सिखा रहे हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू गिव। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू विल स्टार्ट यू कैन से लाइक मेकिंग मॉकटेल्स। ऑफ कोर्स यू कैन ओन दैट काउंटर्स जो होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, केटरिंग इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, उस तरह के टी बिजनेस कैन ऑल्सो बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। जो मुझे सेंस होगा मैं आपको बता दूंगी, राइट? एंड एनी टाइप ऑफ बेवरेज रिलेटेड इंडस्ट्री, मतलब कोई भी अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, इस तरह की इंडस्ट्रीज भी आपके लिए अच्छे होंगे। सो सब लोग बोलेंगे मैम क्या बोल रहे हैं, सो एनी वन कैन गेट सेलेक्टेड इन कोका कोला, राइट? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन एनी टाइप ऑफ कंपनी या कोई टाइप ऑफ एग्जाम्स है जहाँ पे आप एक्सेलेंट रिजल्ट वहाँ पे दे रहे हो। रोक क्या रहा है, पीछे का चीज़ जो आपको आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं दफ़ा में बर्बाद किया है किसी ने, तबाह किया है किसी ने, एंड बैकस्टैब ऐसे किया है ताकि आप उठ ना पाओ, ठीक है? आप रुकोगे ना, आप झुकोगे ना, आप उठो, ओके, जस्ट राइज, यही है आपके ज़िंदगी में। आपने मेहनत किया है बट मे बी यू डिड नॉट गेट रिजल्ट इंस्टेंटली। कभी कभार हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, सब कुछ इंस्टेंट मैगी के तरह नहीं है दैट वी आर गोइंग टू गेट इट। कभी कभी हम जो एक है ना कि मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देती हूँ, आज हम बैठ के अपने घर में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्रिंकिंग टी, राइट, यू आर हैविंग लंच, यू आर हैविंग डिनर, ऐसा भी समय आ सकता है इन द फ्यूचर, आई कैन से आप इतना बर्डेंड होंगे, लोडेड होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपको एक पोस्ट दिया जाएगा, हो सकता है कि चाय पीने का भी वक्त ना आए, ऐसा भी होता है। तो आवर लाइफ स्टाइल चेंजेस, इट इज़ नॉट सर्टेन, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अनसर्टेनिटीज में भी आपके लिए जो चीज़ आ रहा है वो है द ग्रोथ, द डेवलपमेंट, द फेज ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड फैमिली जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा, जो आपका पास्ट था इट वॉज नॉट सपोर्टिव। बेसिकली कुछ लोग अपने फैमिली में ही आपके अंदर वहाँ पे आपके आपको मुझे दिख रहा है कि आप बेसिकली शांत रहने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं लेकिन आपको लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा दिला देते हैं, ये चीज़ मैंने देखा है। सो ट्राई टू कंट्रोल इट ऑल्सो। मिस्टिसिज्म, गॉसिप, सर्विस, डिस्कवरी, आई टोल्ड यू ना, इन द फील्ड ऑफ साइंस, ओके, यू कैन ऑल्सो डू समथिंग ग्रेट। और सिर्फ डिस्कवरी सिर्फ साइंस से भी रिलेट नहीं करता, कोई भी फील्ड में बहुत कुछ आविष्कार किया जाता है, जैसे म्यूजिक में भी लिरिक्स का है, बहुत कुछ चीज़ है, मतलब हर एक चीज़ को एक क्रिएशन बना जा सकता है। सो बेसिकली जो चीज़ आपको अवॉइड करना है वो है आपको एक्सेसिव लोगों का बातें सुनना बंद कर देना है, ठीक है? जिसको जो कहना है कहने दो, आप अपने मोरालिटी को फॉलो करें। दूसरा चीज़ है आपका इन फ्यूचर, मुझे यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री बहुत दिख रहा है कि विल बी इन एनी टाइप ऑफ सर्विस रिलेटेड प्रोफेशन,
प्रोडक्ट से भी ज़्यादा सर्विस रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सम डोर्स मे हैव, ठीक है, क्लोज्ड फॉर यू बट सम डोर्स यू विल ओपन। कुछ दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका है, कुछ दरवाज़ा आप खोजेंगे, ठीक है, आप ढूंढना शुरू करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड इट ओपन। ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। यहाँ से भी हम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। द विंग्ड वाइज वंस एंजेलिक हेल्प एंड मिरेकुलस एट द नंबर 34। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा ऐसा आभास हो सकता है, सपनों में भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लाइंग क्रीचर्स, नॉट नेसेसरली बर्ड, बट कुछ ऐसा आभास हो सकता है कि जैसे आपके छत से ऊपर कुछ चला गया। मे बी इट वॉज नॉट अ बर्ड, इट वॉज समथिंग एल्स। हो सकता है कि वो एक बैट भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है, बट समहाउ यू विल फील लाइक यूनिवर्स आपको मैसेज देने की बराबर कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर विथ यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यू आर प्रोटेक्टेड। जो रिश्ता आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है वहाँ पे वो आपको जाने नहीं देंगे उस रिश्ते पे। जो नौकरी में आपको खतरा होगा उस नौकरी को आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। मे बी यू विल फेल, ओके, सेवरल टाइम्स इन द इंटरव्यू, क्योंकि हो सकता है कि रिजेक्शन इस कारण से आ रहा है क्योंकि वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है। कुछ रास्ते होते हैं जो हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं, वो अलग डेस्टिनेशन भी हमें लेके चला जाता है। सो यू आर स्पिरिचुअली गाइडेड, राइट? सो बेसिकली आपको कभी भी गलत रिश्ता, गलत राह पे जाने ही नहीं दिया जाएगा, यह आपके लिए श्योर शॉट है। देखो, बार बार वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, दिस इज अ विंग्ड वाइज वन। बार बार वो वर्ड आ रहा है वाइज, वाइज, हु इज अ वाइज पर्सन। वाइज पर्सन कौन होता है? जिनके अंदर पूरी तरह से, ठीक है, जानते तो वो है ही, बट दे ऑल्सो रिएक्ट इन अ कूल मैनर, हाइपर नहीं होते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ईमानदारी जो है आपकी शब्दों से बहेगा और उस ईमानदारी का लाजवाब आपको फल मिलेगा। व्हाई नॉट? देखा, गेयर्स गार्डन, फ्रूशन, अबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू सो। आज का क्या रीडिंग था? आज का टाइटल क्या था कि आपको क्या मिलके रहेगा? दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। जो आपने बोया है वही मिलेगा। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है वो हमारे लेसन सिखाने के लिए आते हैं। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमारे लिए परमानेंट रिलेशनशिप में बन जाते हैं। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गाइड करने के लिए आते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपने जो जो किया है और अभी जो आप प्रेजेंटली कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है अच्छा ही, बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज मदर गया वुड नॉट हैव कम। मदर गया इज मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ, पृथ्वी माँ है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो उनका ब्लेसिंग्स मिलना भी बहुत बड़ा बात है। हर बार रीडिंग में नहीं आता है ये। सो क्लेम द रीडिंग स्ट्रांगली। कुछ आइडियाज है जो आप अपने अंदर तक दबा के रखे हो, आपको लगता है कि कोई क्रेडिट लेके चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका इनसिक्योरिटी जो है कई हद तक इस तरह से है कि आप कोई काम करेंगे कोई और क्रेडिट लेके चला जाएगा। वो कभी कभार होता है, हर समय नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। जो सक्सेस आपके लिए है, जो सफलता आपके लिए है, उसके लिए आप खुद ही रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो जस्ट बी ओपन, बी फ्रैंक टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। तो आज आप कमेंट सेक्शन पे ये लिखेंगे कि दैट आई एम ओपन टू रिसीव ब्लेसिंग्स एट एनी कॉस्ट। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी का जो है सो हार्ट चक्र इज ब्लॉक्ड एंड आई एम गेटिंग दैट। देखो, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा ही, जो कनेक्शन होना है वो होगा ही, जो कनेक्शन होना था
वो होगा, होके रहेगा। जो कनेक्शन नहीं होना था वो नहीं होगा। मैं हमेशा ही फ्रैंक बात करती हूँ ताकि मैं सबको क्लियर कर देती हूँ वो चीज़। ऑल राइट, आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे देखो फल है, इसको आपने सींचा है, इसको आपने बहुत बड़ा किया है, धीरे धीरे आप कर रहे हो मेहनत, आई नो दैट। सो द फल, द फ्रूट ऑफ योर लेबर इज हियर। जो भी कनेक्शंस में आप है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ईमानदारी जो है ऑफकोर्स रंग लेके आएगा, ठीक है। सो ऑफकोर्स यू शुड नॉट फॉरगेट दैट दैट वट एवर यू विल डू इट विल रिफ्लेक्ट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके कर्म का जो फल है वो तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ एक प्रेजेंट कर्म जो है वो भी कई हद तक आपके जीवन को एक रोशनी की तरफ लेके जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ माई चैनल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।